नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जो है बिल्कुल सिर पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं वो अचानक से वो गायब हो गए। गायब क्या हुए, वो बैंकॉक गए हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो मेडिटेशन के लिए गए हैं वहाँ पे। अब बैंकॉक पे किस तरह का मेडिटेशन होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस इतना ज़रूर मालूम है कि दुनिया भर के लोग मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। खैर, ये उनका पर्सनल मामला है इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन खबर ये नहीं है कि वो बैंकॉक गए हैं। खबर ये है कि अब केंद्र सरकार जो है, जो एसपीजी प्रोटेक्टी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ाई करने वाली है। अब राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाएंगे साथ साथ जासूस जाएंगे, एसपीजी के लोग रहेंगे, आईबी के लोग रहेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग साथ साथ रहेंगे। ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है एसपीजी प्रोटेक्टिव के लिए। कौन कौन लोग हैं जिनको एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो प्रधानमंत्री हैं और ये राजीव गांधी के परिवार के जो तीनों लोग हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और ये कड़ाई क्यों हो रही है और क्या बदलाव हुआ है, पहले इसको समझते हैं। और क्यों ये बदलाव किया गया है उसको जब मैं आपको बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बात ये है कि अब तक क्या होता था कि यहां से जब ये लोग निकलते थे, गांधी परिवार के लोग, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, तो ये अगर विदेश यात्रा पर जाते थे तो ये जो पहली जगह पे वो फर्स्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, एसपीजी बस वहीं तक जाती थी और उसके बाद ये लोग कहते थे कि आप वापस चले जाओ। मतलब अगर उनको कहीं जाना है और वो पहला जो फ्लाइट इन्होंने ली और वो पहुंचे लंदन, तो लंदन में पहुंच करके वापस जो एसपीजी के लोगों को लंदन से वापस कर दिया जाता था। अब लंदन से वो कहीं भी चले जाएं, वो फ्रांस चले जाएं या फिर हॉलैंड चले जाएं या फिर वो अमेरिका चले जाएं, तब वो उनके साथ एसपीजी का प्रोटेक्शन नहीं रहता था। अब जैसे ये मसला मैं आपको बता दूं, जैसे वो बैंकॉक गए तो अभी वो बैंकॉक उतरे और बैंकॉक उतरने के बाद ये सारे एसपीजी वालों को कह देते कि आप रिटर्न टिकट लीजिए, वापस जाइए। बैंकॉक के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है वो एसपीजी के नज़र में नहीं रहती थी। लेकिन खतरा तो बना हुआ रहता है। जिस तरीके से पाकिस्तान और जिस तरह से आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान के लीडर्स के ऊपर निशाना बनाए हुए हैं, उनको हिट लिस्ट में डाल रखा है, तो ऐसे में कोई भी चूक अगर हो जाती है तो मसला जो है बहुत ख़राब हो जाएगा और देश में ही लोग कहेंगे कि भाई ये जो है कोताही हो गई। मैं आपको बता दूँ, एसपीजी को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है गांधी परिवार ने शुरू से उठाए हैं। सिक्योरिटी को लेकर के राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, मैं आपको बता दूं उस समय एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं होता था, नॉर्मल सिक्योरिटी मिला करता था लोगों को, गांधी परिवार को। अगर कई एक्सपर्ट्स ये बोलते अगर एसपीजी की तरह व्यवस्था अगर पहले से होती तो शायद राजीव गांधी की का असैसिनेशन नहीं हुआ होता। खैर, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन ये सरकार ने ये बदलाव क्यों किया है, दो घटनाएं हुई हैं। एक ये कि अभी हाल में ही राहुल गांधी यूरोप गए, जैसा कि मैंने बताया उन्होंने वापस कर दिया एसपीजी को, और फिर वो वहाँ से कोलंबिया चले गए। कोलंबिया क्यों गए, कोई बताते हैं कुछ लोग कि भाई वहाँ पे उनकी कोई मित्र रहती हैं, शायद उनसे मिलने गए हों या किसी काम से गए हों, वो कोलंबिया जाएँ, वेनेजुएला जाएँ या देश के, दुनिया के किसी भी देश में जाएँ, वो एसपीजी और सरकार की नज़रों से वो ओझल हो जाते हैं। अब ये बताइए कि ये सिक्योरिटी थ्रेट कितना बड़ा है, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान के लीडर्स को, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स को, ऐसे लोग जो जिनके जिनकी पार्टियों में चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार यहाँ चलाते हैं और ये पूरी परिवार की पार्टी है, तो वो तो एक एक छोटी सी चूक में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी, इसलिए सरकार ने इसको बदला है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि ये सब तैयारी और ये सब प्रॉब्लम्स क्यों राहुल गांधी को लेकर के ज़्यादा है। आपको याद होगा कि ये मानसरोवर यात्रा पे गए थे, मानसरोवर यात्रा को लेकर के बहुत उस समय चुनाव से पहले और शिव भक्त अपने आप को बता रहे थे और मानसरोवर से फोटोग्राफ्स और पूरा जो कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया सेल था वो पूरा कि शिव भक्त राहुल यहाँ पहुँचे, कितना कदम चले, कितनी सीढ़ियाँ चढ़े, ये सब मीडिया में चला आ रहा था। लेकिन इसकी जो असली कहानी है वो कोई नहीं जानता और आज खबरों की खबर में वो मैं उस खतरे
और वो पूरी यात्रा के बारे में बताऊंगा तो आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा। पहली बात ये हुई कि वो जा रहे थे मानसरोवर, कैलाश पर्वत पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रूट उत्तराखंड के लेपुलेख दर्रे से होते हुए जाता है, जिसमें लोगों को बहुत काफ़ी चलना पड़ता है, और इस रास्ते से, इस रूट से जाने में यात्रियों को कुल 24 दिनों का टाइम लगता है। मानसरोवर का जो दूसरा मार्ग है वो सिक्किम से नाथुला दर्रे से होकर के जाता है, नाथुला पास जो है, इसमें ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। उत्तराखंड वाले में ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो है ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। पूरा का पूरा जो ये रास्ता जो है वो आप वाहन से जा सकते हैं, और कैलाश मानसरोवर तक वो आप गाड़ियों से जा सकते हैं। इसमें भी 21 दिन लगता है, और ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी 5-7 दिन में वो मानसरोवर यात्रा करके वापस लौट आए, और कैसे लौट आए, किस रास्ते से गए, कहाँ कहाँ वो गए, वो मैं आपको, उसका मैं आज आपके सामने खुलासा करता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा 30 अगस्त के आसपास जो है वो शुरू हुई थी, और वो 5 सितंबर तक जो है, 7 सितंबर तक वो वापस आ गए थे। अब जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो पहला डिमांड उन्होंने किया था कि उन्हें एक माने बाकायदा एक ऑफिशियल तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए, और जिसमें उन्होंने सरकार से ये आवेदन किया था कि चीन की जो एम्बेसी है वो उनको वहाँ से विदा करें, जो उसको सी ऑफ करने के लिए पूरी की पूरी चाइनीज एम्बेसी की जो टीम वहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, वो कोई स्टेट विजिट पे तो नहीं जा रहे थे, तो शिवभक्त राहुल तो जा रहे थे मानसरोवर की यात्रा में, तो ये कोई स्टेट गेस्ट बन करके तो नहीं जा रहे थे, और किस हैसियत से जाते, क्या इस तरह का प्रोटोकॉल हर किसी एमपी को मिलता है? आप ना लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ना आप किसी कमेटी के हेड हैं, आप तो सिंपली एक एमपी हैं, इसलिए आपको ये प्रोटोकॉल क्यों मिलेगा? लेकिन ये बात तब समझ में आई कि भाई सरकार ने एक और दलील दी, अरुण जेटली उस समय थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको स्टेट बाकायदा चाइनीज के द्वारा जो रिसेप्शन चाहिए, तो आप अगर यहाँ से सीधे के सीधे अगर आप चीन जाते तो भी बात थी, लेकिन आप तो चीन नहीं जा रहे हैं, आप तो मानसरोवर जा रहे हैं, और कहाँ के लिए जा रहे हैं, तो आप दिल्ली से आप नेपाल पहुँचे। अब देखिए ये 7 दिनों में कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे पहुँचे, तो ये यहाँ से पहुँचे नेपाल, और नेपाल में उन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट डेस्टिनेशन के बाद SPG को बाहर भेज दिया जाता है, तो इन्होंने नेपाल पहुँच के काठमांडू से अपने SPG के सारे लोगों को इन्होंने वापस हिंदुस्तान भेज दिया, और खुद निकल गए मानसरोवर की यात्रा में। या मैं एक दो बात और बता दूं, वो अकेले नहीं थे, इनके साथ 3-4 दोस्त थे, जिसमें से एक नाम मैं आपको बता दूं, ये अमिताभ बच्चन के जो भाई हैं अजिताभ बच्चन, उनके जो बेटे भीम बच्चन, वो उनके साथ थे। मतलब साफ है कि ये कोई धर्म और कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं गए थे, दोस्तों वोस्तों के साथ ये वहाँ पे मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए गए थे। लेकिन नेपाल में एक अजीबोगरीब बात हुई जिसको कोई बताया नहीं। वहाँ नेपाल पहुँच करके उन्होंने कहा कि अगले दिन फ्लाइट है लासा के लिए, वहाँ से वो चीन जा रहे थे, और इसलिए वो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाया, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में उन्हें कह दिया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप उनके क्रेडेंशियल्स एज ए हिंदू जो है वो ठीक नहीं है, और पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने दिया जाता है, तो ये एक मसला हुआ। तो खैर ये तो अलग की स्टोरी है, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप नेपाल से आपने SPG को वापस किया, और आप निकल के कहाँ, लासा चीन। तो पशुपतिनाथ मंदिर में तो उनको घुसने नहीं दिया गया, और वैसे मनसा इनकी ये थी कि वो पशुपतिनाथ मंदिर जाए और कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगा दें, और यहाँ पे फिर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है व्हाट्सएप ट्विटर पे वो बिजी हो जाएंगे, शिवभक्त राहुल। तो वो मनसा थी इनकी, तो ये मित्र मंडली के साथ तो वैसे भी वो इन्जॉयमेंट करने के लिए गए हुए थे। तो अगले दिन ये लोग दोपहर 2:10 वाली एयर चाइना 408 की फ्लाइट से वो लासा के लिए निकले चीन। और ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको जाना था मानसरोवर, आप लासा क्यों चले गए, ये तो बिल्कुल उल्टे रास्ते में पड़ता है। काठमांडू से मानसरोवर जो है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का इलाका है,
और ये साउथ ईस्ट बिल्कुल अपोजिट दिशा में है। तो राहुल गांधी लासा इसलिए गए क्योंकि उनको वहाँ पे 3-4 दिन बिताना था। वो 3-4 दिन लासा में रुके, ये बताना चाहिए राहुल गांधी को कि लासा में वो जो 3-4 दिन रुके उस दौरान उन्होंने क्या किया। क्या वो चाइनीज लीडर्स से मिले, चाइनीज सीक्रेट सर्विसेज के लोगों से, अधिकारियों से मिले, चाइनीज आर्मी के लोगों से मिले, वो किससे मिले, ये बात तो बतानी पड़ेगी। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो सिक्योरिटी थी उसको तो नेपाल से उन्होंने वापस कर दिया था, और उसके बाद वो चाइनीज प्लेन से लासा से ये लोग नगोरा एक एयरबेस है वहां पे वो पहुंचे। वो मानसरोवर से 190 किलोमीटर की दूरी पे है और नेशनल हाईवे जाती है 219 जो उसको जोड़ती है। तो ये हिंदुस्तान से काठमांडू, काठमांडू से लासा, लासा से नगारो, वहाँ से जो है ये लोग कैलाश मानसरोवर और बिल्कुल आराम से गए। इसलिए मैं बताया कि भाई वो जो 21 दिन लगता है लोगों को, ये कैसे ये 5-7 दिन में वापस आ गए। और इस तरह जो है वो 2-3 दिन के अंदर ही जो है वो 4 दिन के अंदर वहाँ पहुँच गए और वापस भी उसी रास्ते से वो आ गए। अब सवाल जो मुख्य है जो आज की खबर से कि राहुल गांधी ने ये डिटेल क्यों छुपाया, वहाँ वो किस किस से मिले, मानसरोवर यात्रा के दौरान चाइनीज सरकार और उसकी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने क्या क्या मदद की। ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं चुनाव के दौरान 2019 के दौरान कि देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो उसको बाहर से जो है पैसे आए थे चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। ये तो खैर ये अफवाह है लेकिन इसमें सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की खातिरदारी चीन सरकार से की गई इसका क्या मतलब निकलता है, और आप ये सारी बातें आप छुपा के क्यों चले गए। और यही सब वजह की यही कारण है कि सरकार जो है एक नई कानून नया नियम बना रही है कि अब ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ ये मेडिटेशन करेंगे, जहाँ जहाँ ये लोगों से मिलेंगे, जिन जिन नेताओं से मिलेंगे, साथ साथ SPG कवर वो कभी ख़त्म नहीं होगी, सामने से हटेगी नहीं। तो ये मामला कितना गंभीर है आप समझे कि राहुल गांधी या कोई भी जो SPG प्रोटेक्टेड है वो ऑब्वियसली देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अहम पर्सनालिटी है, लेकिन वो अब तक क्या कर रहे थे, वो फर्स्ट डेस्टिनेशन जाते थे और उसके बाद वापस करके जो जहाँ जहाँ वो घूम रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जहाँ जहाँ जाएंगे मेडिटेशन के लिए भी जाएंगे तो साथ में जो है SPG के लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब ये झांसा देकर के कहीं इधर उधर नहीं जा पाएंगे और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है उन पर नज़र रखने के लिए की जा रही है। अरे भाई, नज़र रखने के लिए ही तो की जा रही है। SPG प्रोटेक्टिव जो कोई व्यक्ति है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। वो आतंकवादी और दाऊद इब्राहिम और जो बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं उसके निशाने पे आ सकते हैं, इसे तो नज़र रखना और भी ज़रूरी है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है आपको आज शाम से जो आप टेलीविजन चैनल पे भी आप देखेंगे इस पे बहस होगी और काफ़ी लंबा चलेगा कि ये सरकार जो है ये फासिज्म आ गया है और लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है, उनका प्राइवेट लाइफ है। नेताओं का कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होता है, ये बेसिक लाइन है। जो भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि राहुल गांधी का कोई निजी जीवन है तो निजी जीवन अगर उन्हें करना है तो कांग्रेस पार्टी और चुनाव और राजनीति से वो संन्यास ले लें, फिर अपना प्राइवेट जीवन जो है जीते रहे। लेकिन वो अगर बिना बताए हुए कोलंबिया जाएंगे, बिना बताए हुए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए बैंकॉक से मेडिटेशन के लिए कहीं निकल जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और ये गलत प्रथा है। आपको अगर निजी जीवन जीना है तो सार्वजनिक जीवन से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है और ये क्रिटिसिज्म जो है बेकार की बातें हैं। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक फौरन पहुंचे। धन्यवाद।